वेलकम टू बॉलीवुड एंड ग्लैमर. आज हम आप पहुँचे हैं द मोस्ट अवेटेड एंड पॉपुलर टीवी शो बिग बॉस 11. सो चलिए आज हम देखते हैं कि आखिर पिछले टाइम से इस बार कितना डिफरेंट होने वाला है बिग बॉस का हाउस. चलिए लेट्स हैव अ लुक ऑफ द बिग बॉस हाउस. सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है बेडरूम सारे कंटेस्टेंट का. यहाँ पे टोटल 8 बेड्स है. Beds are so cozy, right? For the contestants. And you can see the themes are so written on the table, and the something is written is couch. And as you can see, the pictures are of love, black and white theme. अभी हम आपको दिखाने वाले हैं किचन बिग बॉस का. सो यू कैन सी द थीम्स आर ऑफ एप्पल्स, राइट? सो दिस इज सो डिफरेंट, लाइक ऐसे कभी आपने कभी देखा नहीं होगा कि एप्पल्स की थीम है. एंड यू कैन सी द बैकड्रॉप ऑफ द किचन. इसमें वुडन है जो नॉर्मली वी कैन सी इन द सीजन ऑफ द मैंगोज, एनिमल्स लाइक चिकन फार्म. On the other side, you can see that's the horse, which is made up of glass, small glasses of mirrors. So these are the something different. This is why they Bigg Boss ka house sabse different hota hai. And you can see there is the table which is round. Jaise ki humne dekha tha pichle season mein, it was flat, but this time they have the round so that contestants can fight face to face like each other. जी चलिए, तो हम चलते हैं वॉशरूम की तरफ, देखते हैं कि कितना डिफरेंट बनाया गया है इस वॉशरूम को. एज यू कैन सी द थीम्स ऑफ जंगल फॉरेस्ट, विच इज़ सम काइंड ऑफ डिफरेंट. जैसे हमने देखा था पिछले सीजन में वॉशरूम बाहर की तरफ था, बट इस सीजन में वॉशरूम अंदर की तरफ. सो लेट्स हैव अ लुक ऑफ द वॉशरूम. जैसे कि यू कैन सी दिस इज द वार्डरोब ऑफ द कंटेस्टेंट्स. So as you all can see, this is a washroom which is made up of greenery and the theme is jungle. See, you can see the carpets are of green grasses. I'll show you something different. The different thing is the washroom mein mini swimming pool hai. So you all can see this is the new thing. And you can see the theme is something different, jaise ki jungalon mein jungle wala feel aaye, like forest jaisa. So let's go and have a look of the main hall, jahan pe sab Salman Khan jin sab question ki class lete hain. To chaliye wahi chalte hain. हम आपको दिखाते हैं द मेन रूम वेयर द कंटेस्टेंट विल बी सिटिंग लाइक चैटिंग एंड बिचिंग एंड ऑल्सो. देखिए आप मेरे पीछे, यहाँ पे देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स ऑफ बटन्स. लाइक जैसे कि मैंने आपको बताया द थीम इज़ कलरफुल, सो यू कैन सी द काइंड ऑफ बटन विच आर कलरफुल. एंड टू मैच अप दोस थीम ऑफ कलरफुल, द डिज़ाइनर हैज़ पुट द ब्लैक एंड वाइट थीम ऑल्सो टू मैच अप द कलरफुल. And you can see the sofa are different this time, because हमेशा देखा जाता है कि ground में रहता है या फिर different रहता है, but this time they have two different sofas.
चलिए अब हम चलते हैं बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स की जेल में, जहाँ पे कोई कंटेस्टेंट नहीं जाना चाहते. सो लेट्स हैव अ लुक ऑफ द जेल का जी. जैसे कि अब हम आपको दिखाने वाले हैं जो बिग बॉस की जेल है, जो कंटेस्टेंट जहाँ पे जिनको टॉर्चर किया जाता है. तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है जो है बिग बॉस की जेल. यहाँ पे सिर्फ 3 बेड दिए गए हैं एंड ये लुक जो है कोई भी कंटेस्टेंट सहन नहीं कर पाएगा. जैसे कि देखा गया है दूसरी तरफ वॉशरूम जो है, बेड्स जो है इतने आरामदायक बनाए गए हैं, और यही दूसरी तरफ जो जेल है इतनी गंदी बनाई गई है. अब देखना ये है कि कंटेस्टेंट इसमें कैसे सरवाइव कर पाते हैं. और जैसे कि हम आपको बता दें, जैसे कि देख रहे हैं आप, जेल इतनी गंदी है. ये जेल को देख के सरबजीत मूवी की याद आती है. जिस तरीके से सरबजीत मूवी में रणदीप हुड्डा को रखा गया था, सेम वैसे ही टाइप की जेल है आप देख सकते हैं. अब देखना ये कंटेस्टेंट इस जेल में कैसे सरवाइव कर पाते हैं. तो हमने देखा कि आपको सारे बिग बॉस घर की पूरी अच्छे से सैर करवा दी. अब देखना ये है बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स के लिए कितना डिफ़िकल्ट होता है ना इस बिग बॉस के हाउस में रहना. एक तरफ हमने आपको दिखाया कि लोग अच्छे से रह सकते, और दूसरी तरफ जेल के भी हमने आपको सफ़र दिखाया. तो अब देखना ये कंटेस्टेंट किस तरीके से इसको हैंडल कर पाते. कैमरामैन बिलाल के साथ अनम शेख, मुंबई.